नमस्कार दोस्तों, आज 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का अपडेट करो आलू का जी, कितनी गाड़ियाँ जी। हाँ नमस्कार सर, यहाँ पे 90-95 गाड़ी की आमदनी हो रही है आज की तारीख में। हाँ जी। कल की 13-14 गाड़ी बैलेंस थी और बाजार यहाँ पे जो शमशाबाद के आलू आ रहे हैं वो 530 रुपए से लेके 650 रुपए तक आलू चल रहे हैं। 530 से 650 रुपए। 650 रुपए। हाँ जी। अच्छा जी। जो गुल्ले आ रहे हैं वो 350 से लेके 400-450 रुपए तक बिक रहे हैं उनके शमशाबाद के। लेकिन शमशाबाद में भी एक आधा दाना गर्मी की शिकायत आ रही है, कोई कोई ज्यादा भी निकल रहा गर्मी वाला। ये कहाँ वाला है जी? ये भाई साहब ये तो यहाँ का चंदौसी इलाके का। अच्छा जी। वजीर कौन सा जी? ये भाई साहब सूर्य है जी। सूर्य ये वो जी, इसका बाजार जो है 750 लेके 800 रुपए तक का चल रहा है। साढ़े सात सौ से आठ सौ का वैसे उठाव नहीं है। LR जो LR की पूछे नहीं, समझ लो 550-600। अच्छा जी। LR जो था पास में तो कोई हो नहीं रहा, सब फेल ही हो रहे हैं। हाँ जी। और 3790 का क्या? 3790 वैसे जो थे जो इधर के अलीगढ़ साइड के हैं उसकी 500-550 है जी, 550 तक। अच्छा जी। और जो से संभल के पुखराज वगैरह है वो 400-450 बिक रहे हैं जी। अच्छा जी। और चिप सोने की जी? चिप सोना बढ़िया और 600-650 रुपए तक। ये कहाँ वाला जी? ये चंदौसी बेल्ट का जी, चंदौसी और संभल। अच्छा जी। अच्छा। और अपना जो ये पंजाब का नया पंजाब का नया आलू, नया आलू ये आड़ू आलू आ रहा है जिसमें छितरी की शिकायत आ रही है, 350 रुपए, 330 रुपए, 380 रुपए, बढ़िया 400 रुपए तक समझ के चलो। ये जो आड़ू आ रहा जी नया आड़ू आ रहा जी। अच्छा। बाकी ये है कि स्टोरों के अंदर आलू वहाँ पे निकासी थोड़ी बहुत शुरू हुई है क्योंकि स्टोरों में जो आलू आए हैं ना जो खीर के टाइम पे 30 पैसे फसल ऐसी आई है जो दागी की शिकायत गई है अंदर। अच्छा जी। तो उनको निकालने पड़ेंगे थोड़े बहुत करके, वो निकल के छट के आएंगे। पंजाब वाले का क्या रेट चल रहा जी? पंजाब वाले 350 लेके 400 रुपए तक समझ के चलो। बढ़िया आलू, बढ़िया आलू। चित्री शिकायत आ रही है पंजाब में। गाड़ियाँ कम है जी मंडी में? मंडी में थोड़ी कम है जी, थोड़ी कम है। लेकिन बिक्री कैसी चली आज? बिक्री भाई साहब ग्राहक का प्यार ही तुम देख रहे हो, आज मंगलवार है, मंगलवार को वैसे सुस्त होता है ग्राहक का प्यार। लेकिन बढ़िया आलू लोगों को मिल नहीं रहे, हल्के आलू बतेरे भरे पड़े हैं मंडी में। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। बढ़िया आलू की डिमांड है जी? बढ़िया आलू जो एक्स्ट्रॉडनरी आलू ग्राहक मांगता है जी। अभी भी सब्जियां महंगी है ना? हाँ जी सब्जियां महंगी है, सब्जी यार थोड़ा उठाव बन रहा है। सब्जी जी क्या जी इसका ये नहीं कहने का मतलब है, आलू बाजार ये तो रहेगा, ऊपर भी जा सकता है ऐसे नीचे भी जाएगा? ऊपर तो तब जाएगा जब क्वालिटी आएगी। हाँ जी क्वालिटी आएगी, क्वालिटी के लिए आज भी ग्राहक आशिक है, जो समझ लो 850 रुपए तक लेने को तैयार है सूर्य। हाँ लेकिन आलू आना चाहिए। आलू है नहीं, वैरायटी की कमी है, मतलब क्वालिटी मतलब वो नहीं आ रही जैसे मेंटेन होनी चाहिए ना लोगों को। कई लोग कहते हैं समझ लो महीना एक पूरा ये कोठे का आलू और ये समझ लो नए आलू ये एक महीना निकल जाएगा। हाँ जी, इसको हाँ कोल्ड स्टोर वालों को भी धीरे धीरे करके निकालेंगे अब। हाँ जी हाँ जी। कुछ जो स्टोर में जो गैलरियों में माल पड़े हुए जो वैसे अंदर पड़े हुए जो 19-21 आलू हैं उनको हाँ निकालने पड़ेंगे, समझौता करना पड़ेगा, छांट के भेजने पड़ेंगे उनको। बढ़िया माल की कमी है मंडी में? बढ़िया माल की कमी है, बढ़िया माल नहीं आ रहा भाई, हल्के माल की तादाद बहुत है। और हर एक को अपने लड़के को बढ़िया कहता है, घटिया कोई कहता नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपने लड़के को बढ़िया कहता है, वहाँ से जब चलता है तो वहाँ से कहता है मेरे से बढ़िया कोई आलू नहीं होगा मंडी में। जब सुबह आते हैं यहाँ पे तो देखते हैं उसके मैदान में टक्कर में और कई गुना अच्छे वाले लोग भी होते हैं। धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर 333 चंद्रप्रकाश दिनेश कुमार, 9312-42752। चंद्रप्रकाश एंड कंपनी भी हमारी है। और कल से कितना बाजार ऊपर है जी आज का? कल से बाजार को ऊपर नहीं भाई, कल जैसे बाजार है लेकिन 10-20 रुपए का सुधार है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन क्वालिटी नहीं है मेन बात, आपको क्वालिटी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मंडी में आप सर्वे करेंगे तो क्वालिटी की कमी है। धन्यवाद सर जी। दोस्तों इन्होंने जो भी रेट बताए हैं 50 किलो की बोरी के रेट बताए, बाद में कहीं नए बंदे देखते हैं कमेंट करते हैं कितने किलो का है, ये जो भी रेट बताए इन्होंने सारे आलुओं के 50 किलो की बोरी के रेट हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।